सभी साथियों को जय भीम। साथियों, हम लोग जैसा कि हैशटैग अगर मानो अनसन और हम लोगों ने सूचना दी थी कि हम लोग भूगड़ता पर बैठे हैं, आवाज़ कम आएगी दूर आ रहा है मेरा आदमी। तो साथियों, मैं बता दूँ आपको, हमारे साथ में भीम आर्मी के हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भाई दुलत सिंह जी रावण, जिन्होंने संकल्प लिया पगड़ी छोड़ेंगे तभी जब नाम होगा अम्बेडकर हॉस्पिटल का। मेरे साथ में हमारे भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष आगर के जीवन रावण, जय भीम। और एक बार हमारे भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष शिवनारायण तंवर साहब, मेरे पीछे दिनेश सूर्यवंशी, और एक बार हमारा भीम आर्मी का नौजवान कार्यकर्ता बाबू बेगाना। साथियों, इस वीडियो को आप लोग शेयर लाइक कमेंट करें। मैं हमारे दुल सिंह जी जो सूर्यवंशी हैं उनसे चाहूँगा, हमारे जीवन रावण जी हैं जिनको कि आज भाई ने उनकी मेन आईडी से टैग किया है, तो बिल्कुल जो इस घटनाक्रम के बारे में बताएं और कैसा क्या आगे की प्लानिंग है आपके जिले में लेकर हॉस्पिटल को तेज आवाज। साथियों, जय भीम। आज हम यहाँ पे आमरण अनशन के लिए बैठे हैं। यहाँ पे जो शासकीय जिला अस्पताल बना है वो SC ST के पैसे से बना है, 21 करोड़ रुपए से, और उसके जो नामकरण के फाइल है वो आदेश हो चुका था, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने उस फाइल को कहीं दबा दिया है और उस नामकरण की प्रक्रिया को वहीं रोक दिया है। तो हम उस नाम नए चिकित्सालय के नामकरण के लिए आज आमरण अनशन के लिए बैठे हैं, और जहाँ तक नाम नहीं होगा वहीं तक वहाँ तक यहीं पे बैठे रहेंगे। साथियों, मेरे साथ में हमारे भीम आर्मी के एक और जिला उपाध्यक्ष भाई शिवनारायण तंवर जी हैं, मौजूद हैं। इसमें मना करने से थोड़ा काम चलेगा। हाँ बिल्कुल, तनमन धन से लगे हैं। तंवर साहब बताएं। सभी साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, जैसा कि आज हम आगर में बैठे हैं यहाँ पे अनशन पे, तो जब तक ये जो हमारा आगर जिले का जो सरकारी अस्पताल है इसका जब तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से नहीं रखा जाएगा तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, और हमारा संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि हम उस शेर के बच्चे हैं जो कभी डरता नहीं है। जय भीम साथियों। साथियों, जय भीम। हम लोग आगर में हैं, मध्य प्रदेश में आगर मालवा जिला है, वहाँ पर हम लोग आमरण अनशन कर रहे हैं, और हमारी मांग ये है कि पिछले 1.5 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं हॉस्पिटल के नाम को लेकर, और हम लोग इसी चीज़ को लेकर हम धरने बैठे हैं। हमारे भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई दुलत सिंह सूर्यवंशी, जो कि अपना घर बार हम सभी लोगों के साथ में छोड़कर यहाँ पर बहुत 100-200 किलोमीटर की दूरी पर चल कर आकर हमारे पास मौजूद हैं, और सभी लोगों के आग्रह से कि सर आप धरने में बैठे हैं तो वहाँ का जो लाइव टेलीकास्ट है आप करिए। मैंने ठीक है। हाँ स्वयं विशाल, तुम लोग कब आ रहे हो रतलाम से? सभी लोग तैयारी करें आगे आगर आने की। अभी तुलसी सिंह जी रावण आपको पूरा घटनाक्रम बताएंगे और आगे की प्लानिंग क्या है बताएंगे, और हमारे लोगों के हौसले इरादे बुलंद है वो बताएंगे आप। तुलसी सिंह सूर्यवंशी। जय भीम। साथियों, आपको क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। जैसे कि अस्ते जी ने बताया कि हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं, बाबा साहब का जो नामकरण के जो मामले में जो चल रहा है कि हमारे यहाँ जो आगर जिला है यहाँ पे मैंने देखा है कि ज़्यादातर ऐसी बहुमूल्य क्षेत्र होने के खातिर यहाँ रिजर्व सीट है, और सारे इस दलित समाज के ज़्यादा संख्या में तादाद की मात्रा होने के बावजूद भी यहाँ के विधायक और यहाँ के सांसद भी इसी रिजर्व कोटे से आते हैं, और ये बाबा साहब की बदौलत है। लेकिन इनको तो अगर ये बाबा साहब अगर रिजर्वेशन नहीं करते तो इनको तो कोई 2 कौड़ी के भाव में नहीं पूछते। लेकिन आज हम बैठे हैं जिस स्थान पर बैठे हैं वो आगर में बैठे हुए हैं, और इसके लिए हम लड़ रहे हैं कि ये जो बाबा साहब के नाम से जो हॉस्पिटल बना है उनके नाम से होना चाहिए, क्योंकि सरकार जो आदिम जाति कल्याण विभाग के विभाग के द्वारा जो पैसा सेक्शन हुआ है 21 करोड़ रुपया वो हमारे विभाग से हुआ है, और विभाग से होने के नाते बाबा साहब का हॉस्पिटल उनके नाम से होना चाहिए, जबकि प्रभारी मंत्री जयवर्धन सिंह जी का भी आदेश है, और स्वास्थ्य मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट साहब जी ने भी इसका अनुमोदन कर दिया गया है, और
सचिवालय से भी आदेश, तमाम आदेश होने के बावजूद भी कुछ ओछी मानसिकता के लोग उसका नाम दूसरा रखना चाहते हैं, लेकिन ये भीम आर्मी ने और समस्त संगठनों ने ये ठान ली है कि हम जब तक कोई संघर्ष करते रहेंगे, जब तक यहाँ पे बाबा साहब का नाम हॉस्पिटल के नाम नहीं हो जाए। आप देख रहे हैं, मैं भी बिल्कुल प्रण लेके आया हूँ और पगड़ी नीली बांध के आया हूँ कि जब तक बाबा साहब का नाम, हॉस्पिटल का नाम बाबा साहब के नाम नहीं होगा, तब तक ये पगड़ी नहीं उतारूंगा। तो ऐसे संकल्प लेकर मैं भी बैठा हूँ। तो आप सारे लोगों से गुजारिश की जाती है कि ये वीडियो अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि प्रशासन तक पहुंच जाए। हाँ, बड़ी शर्म की बात यह है कि हम यहाँ बैठे हुए धरना प्रदर्शन पे, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई भी सुविधा मुहैया नहीं करी गई, ना तो लाइट लगाई गई और ना पुलिस प्रशासन बैठा गया। क्या प्रशासन को ये पता नहीं है कि यहाँ पे प्रदेश प्रभारी जी और प्रदेश उपाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं? काश अगर ये किसी दूसरे संगठन के बड़े पदाधिकारी होते तो उनके आगे पीछे पुलिस और गार्ड लगी होती। तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि रात में हम बैठे हुए हैं, जब तक बैठेंगे जब तक बाबा साहब का नाम हॉस्पिटल नहीं होगा, उनके नाम से हॉस्पिटल नहीं होंगे, तो पूरी हमारी सुरक्षा दी जाए और सुरक्षा की गारंटी शासन प्रशासन की होती है। और मैं आपको पुनः ये बता देना चाहता हूँ कि आप सारे लोग जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आसपास हमारे रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को फोन करें और कल यहाँ धरने पर स्थल पर पहुँचाए। जैसी जिस प्रकार आप अपनी मदद कर सकते हैं, ये बाबा साहब के नाम, बाबा साहब का नाम हॉस्पिटल के कराने के जिस प्रकार आप अपनी मदद कर सकते हैं, व्हाट्सअप जरूरी नहीं है कि आप यहाँ आके हमारे साथ बैठे, आप चाहे तो इसको सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, ये भी मदद हो सकती है। आप चाहे तो इसको ट्विटर कर सकते हैं, ये भी इसकी आपकी मदद हो सकती है। और आपने रिश्तेदार को फोन करके, यहाँ अगर आपके आगर जिले के आसपास कोई रिश्तेदार है तो उनको फोन करके बताएं कि आपको आगर हॉस्पिटल के नाम के लिए जो भीम आर्मी ने जो धरना दिया गया है वो यहाँ पे सम्मिलित होए। और इसी आशा उम्मीद के साथ मैं आपसे पुनः एक बार विनती करता हूँ कि आप लोग इस मिशन में हमारा साथ दे, कंधे से कंधे मिलाकर हम जो आज लड़े लड़ रहे हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को भी हमारा साथ मिल चुका है। अब तो कोई भी दुनिया की ताकत बाबा साहब का नाम से, हॉस्पिटल के नाम से कोई रोक नहीं सकता। भाई ने कहा था कि एक बार ट्वीट करा था कि हम ताज पहनाना भी जानते हैं तो ताज को उछालना भी जानते हैं। शुक्रिया भाई। और इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए पुनः आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो वजूद की लड़ाई है साथियों, इसमें आप लोग अपना सहयोग करें। और जो संगठन है, जो छोटे मोटे संगठन है, उनके भी अध्यक्षों से मैं कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि वो भी सहयोग करें। ये अगर बाबा साहब का नाम अगर आता है तो आप लोगों का उसमें सहयोग रहेगा। और इसी आशा उम्मीद के साथ आपको मैं पुनः धन्यवाद दूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। साथियों, जय भीम। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं। ये छोटा भाई विजय है, जय भीम, ये तन मन धन से लगा है और बिल्कुल बचपन से ही भीम आर्मी को लाइक करता है। बोलो कि भाई, नहीं छोटा होकर सपोर्ट कर रहा हूँ आप सभी लोग, तैयारी कर रहे हैं। जय भीम साथियों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमारे साथ भीम आर्मी के प्रदेश प्रभारी सुनील अस्ते जी मौजूद हैं और पीछे की साइड जीवन रावण जी बैठे हैं। तो साथियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि प्रशासन तक हमारी बात पहुँच सकें। हमें इग्नोर कर रहे हैं प्रशासन यहाँ की। ये छोटा भाई है विजय, ये छोटा भाई विजय इस चीज़ को समझ गया कि प्रशासन के लोग हमें, हमारी अवहेलना कर रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको एक बार फिर से कि हम लोग इस मूवमेंट को, इस धरने को हम लोग अंतिम पड़ाव तक लेके आए हैं। पिछले साल सितंबर के महीने में, पिछले बार सितंबर के महीने में हम लोगों ने धरना दिया था, है ना रावण जी? हाँ। रावण जी और हम लोगों ने पिछले साल सितंबर के महीने में धरना दिया था और उसमें दुले सिंह भाई भी हमारे मौजूद थे। हम सभी लोगों ने इसी, मतलब यहाँ पर हजारों संख्या में हम लोगों ने धरना दिया था और उससे भी बड़ी रैली हमने आज निकाली। जब हम एक साल पहले इतनी बड़ी रैली निकाल चुके थे और अब निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे संगठन में शक्ति होगी। मैं उन तमाम जो हमारे साथी, युवा साथी जो अलग अलग जिलों से चलकर यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आए थे, मैं तमाम उन साथियों का शुक्रगुजार हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ।
हमारे उज्जैन से भाई टिकम वर्सी जी का बहुत बहुत साधुवाद, जो उज्जैन जिला अध्यक्ष हैं। हमारे देवास से जिला महासचिव राम प्रसाद दुजारा जी का बहुत बहुत साधुवाद। हमारे रतलाम जिले से भाई मोहन परिहार और उनकी पूरी टीम को साधुवाद, जो पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए। आलोट से हमारे मीडिया प्रभारी अपने गोवर्धन मालवी का बहुत बहुत साधुवाद। और शाजापुर जिले की टीम का साधुवाद, जो जो कार्यकर्ता आए थे भाई राका भाई, पूरी टीम के साथ आए थे राका बामनिया, और इन तमाम साथियों ने बहुत सहयोग किया। और आगर की सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र तो आगर की टीम है, जो कि आज हमारे साथ धरने पर बैठी है। आगर के हमारे जिलाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला एक और उपाध्यक्ष, पूरे सभी लोग तन मन धन से डटे हैं। आप लोग देखेंगे कि हम ग्राउंड जीरो पर डटे हैं, चाहे स्थिति जैसी भी हो, चाहे इसके लिए हमारी किसी भी स्थिति हो, हम लोग हारने वाले नहीं, डरने वाले नहीं हैं। और इस मोमेंट को हम लोग जिंदा रखेंगे, जब तक हॉस्पिटल का नाम नहीं होगा तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। चंद्रशेखर भाई आज़ाद ने भी सुबह ट्वीट किया और पूरा मामला उनके संज्ञान में। तो जितने भी मैं बड़े बड़े जो हमारे लीडर हैं बहुजन समाज के, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप लोग हमारा सहयोग करें, आप लोग हमें साथ दें, आप लोग इस मुसीबत की घड़ी में हमारे साथ खड़े रहें तो हम कहीं ना कहीं मजबूत होंगे। तेजराज भिंड से बहुत अच्छा कार्यकर्ता है हमारे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको साधुवाद। साथियों, आप लोग घर बैठकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हैशटैग सुनील अस्ते और हैशटैग आगर मालवा भीम आर्मी, ये दो ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर। ट्विटर पर आप सबसे ज़्यादा पोस्ट करें, डायरेक्ट @ कमलनाथ, @ जयवर्धन सिंह और @ दिग्विजय सिंह और @ शिवराज सिंह चौहान, ये जितने भी साथ, मतलब जितने भी तमाम नेता मध्य प्रदेश के, इनको आप टैग करें @ लगाकर। और हमारे जो नेशनल आइकॉन हमारी बहन जी हैं, उनको भी आप टैग लगाकर @ टैग लगाकर, मायावती लगाकर आप टैग करें तो वो भी हो सकता है कि ट्वीट करें। जिग्नेश मेवाणी भी, कन्हैया कुमार जी, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं हमारे, आप सभी लोग इस मूवमेंट में हमारा सहयोग करें। बिल्कुल, राहुल परिहार जी आपका साधुवाद, हमारे जिला मीडिया प्रभारी DS चौहान जी आपको भी जय भीम। साथियों, जितने भी टीम हैं मध्य प्रदेश की, इस चीज़ को लेकर आप सक्रिय रहें। अगर हम लोग धरने पर बैठे हैं तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग सहयोग करें, आप लोग सोशल मीडिया पर सहयोग करें, सभी साथी सोशल मीडिया पर सहयोग करें हमें। आप लोग घर से बैठकर, आप लोग घर से बैठकर व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पर सहयोग कर सकते हैं। जैसा कि जीवन जो रावण है, बिल्कुल तन मन धन से इनके पूरी टीम लगी है सोशल मीडिया की, और तैयारी कर रही है कि भाई किस प्रकार से हमारे मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, आपको लाइव करूँ डॉक्टर साहब, ये हमारे डॉक्टर साहब है हमारे संजय कुमार जी, बिल्कुल अपना क्लिनिक छोड़कर हमारे साथ धरने पर बैठे हैं, इनका भी बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, इन्होंने ही टेंट की और जो पूरी टीम, मतलब रात की, कल शायद 12:30 बजे तक हुआ, कल रात को 12:30 बजे तक घूमे थे ये, और इन्होंने भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। साथियों, जो मुसीबत की घड़ी में जो साथी हमारे साथ रहता है, वही हमारा असली उद्देश्य है। साथियों, हमें मुसीबत के समय पे हमें हंसी उड़ाने वालों की ज़रूरत नहीं है, मुसीबत पर हमें आंसू पोंछने वालों की ज़रूरत है। साथियों, बिल्कुल जय भीम बोलता हूँ मैं आपको, और बिल्कुल हम लोग धरना स्थल बैठे हैं। अब मैं आपको दिखा दूँ हमारा धरना स्थल, हम लोग बैठे हैं इधर, ये हमारा बोर्ड लगा है, ये हमारे सभी लोग बैठे हैं, ये हमारे बोर्ड लगा है, सभी साथी यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर सभी साथी आ सकते हैं धरने में, किसी को भी निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। साथियों, आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भीम आर्मी। और आप सभी लोग सहयोग करें, चंद्रशेखर भाई आज़ाद भी हमें सहयोग कर रहे हैं, तन मन धन से लगे हैं वहाँ से, और सभी लोग हमें साथ खड़े हैं। जय भीम आर्मी।